इंदौर के पास ग्वाल गांव में रहवासी क्षेत्र के बीच में फटाका गोडाउन है, वहीं सामने ही फटाका फैक्ट्री भी है जिसके आसपास रहवासी क्षेत्र है। यदि गोडाउन में कोई हादसा घटित हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? हरदा के हादसे के बाद भी प्रशासन अब तक जागा नहीं है। फटाका गोडाउन मालिक के अनुसार लोग अभी बसे हैं, गोडाउन पिछले 20 सालों से यहीं पर है। वहीं घरों पर प्रधानमंत्री आवास योजना की सील भी लगी हुई है। जब हमारे द्वारा गोडाउन मालिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये सब झूठी बातें हैं, मेरे गोडाउन को एसडीएम थाना प्रभारी देख चुके हैं एवं गोडाउन के सामने एक फैक्ट्री मौजूद है, वहीं मजदूर कार्य करते हैं। यदि कुछ घटना घटित होती है तो जवाबदार कौन होगा? अभी तो हुआ फायर का, उनका हरदा का, तो थोड़ा पार्षद के फोन क्यों लगाओ तुम? बोले हमारे पार्षद चिल्ला यूं का एक दिन से होता है वहां का बोला में 20 साल से वहां पे रावासी की बसे हुए, उसका क्या है? रावासी कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा ये घर गए, ऐसे कोई भी झोपड़ा बचा के बैठ जाएगा पास में और वो रहवासी थोड़ी हो जाएगा। नहीं नहीं, झोपड़ा नहीं है, प्रधानमंत्री की सील लगी हुई है। आप अगर झोपड़ा वहाँ बचा के बैठ जाएंगे तो वो झोपड़े रहवासी थोड़ी हो जाएगा। रहवासी 1.5 किलोमीटर दूर है। वो आपके घर से 1.5 किलोमीटर दूर है वो फैक्ट्री। प्रधानमंत्री आवास योजना की सील गलत है या सही है? वो नगर निगम को देखना है कि क्या करना है। नगर निगम नहीं, पंचायत लगती है। पंचायत लगती तो पंचायत को देखना है कि हमारा पट्टे देना है कि नहीं। प्रधानमंत्री की गलत है या सही है? हम गौला में है, गाँव में है, जंगल में है, चारों तरफ खेत है। आपके सामने फैक्ट्री है तो फैक्ट्री तो रहेगी ना। मतलब 30 से 40 लोग काम करते हैं, उससे क्या उससे 5-6 परिवार का भी कुछ घटना होती है उसका जिम्मेदार नहीं? तो फटाके जाके वहाँ थोड़ी फोड़ेंगे हम लोग। नहीं, फटाके हरदा में भी नहीं फूटते थे सर। वो फैक्ट्री है, ये गोडाउन का लाइसेंस है। गोडाउन का लाइसेंस है लेकिन वहाँ भी फटाके नहीं, कुछ घटनाक्रम हो जाता है। ऐसा नहीं होता, फैक्ट्रियों में आग लगती है, फटाके प्रोडक्शन करा हुआ माल में आग नहीं लगता कभी भी। और दूसरी बात, मेरा लाइसेंस 20 साल पुराना है, ये तो फैक्ट्री वालों को भी देने से पहले सोचना चाहिए कि वहाँ लाइसेंस देना है कि नहीं देना। तो उसमें जनहानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं? जनहानी का की सब व्यवस्था है, व्यवस्था है पूरी। वहाँ चौकीदार भी नहीं है? बिल्कुल है ना, वहाँ चौकीदार लगा हुआ है। अभी कुछ हो जाए, गर्मी का समय चालू, कुछ लेने नहीं जाएगा चौकीदार? क्या आप जाके देखो अभी बैठा वो नहीं है, होता ही नहीं है ना। अभी हमने बिल्कुल होगा, वहाँ चौकीदार बिल्कुल रहेगा। चौकीदार है ना, वहाँ सामने बिल्कुल लगे हुए, आप देखना ना। ये सब अधिकारी पूछेंगे, क्या ये सब अधिकारी पूछ लेंगे कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। अधिकारी चेक करके गए हैं बिल्कुल हमारे यहाँ। कब? अभी अधिकारी चेक करके गए? 15 बार चेक करके गए। कौन आया था चेक करने? चेक करने कौन आया था? एजीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए, सीएसपी साहब आए, टीआई साहब आए धार से। हाँ, ग्राइंड भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।